हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सक्षम राइटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इमरजेंसी बल्ब की हाउसिंग एसी डीसी की, जिसे आप इमरजेंसी बल्ब, एसी डीसी, मैजिक बल्ब, जादू बल्ब से जानते हैं। इसकी जो हाउसिंग होती है किस तरीके से मैनुफैक्चरिंग होती है, ये आप देख सकते हैं। हमारा ये एक सैंपल है, बन के रेडी हो चुका है। इस तरीके से हमारी एक हाउसिंग है जो इस तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया है। तो इस मशीन की सहायता से हम देखेंगे कि क्या क्या हम कमांड देते हैं और कैसे कैसे जो हमारी हाउसिंग है वो किस तरीके से बनती है। तो आइए चलते हैं, देवेंद्र जी की मदद से हम देखेंगे इसमें क्या क्या कमांड देते हैं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मशीन में काम आते हैं। तो आप देख सकते हैं इंजेक्शन मोल्ड की मशीन में आज हम देखेंगे इस जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है किस तरीके से होती है। देवेंद्र जी की मदद से हम देखेंगे इसमें क्या क्या हम कमांड देते हैं। तो हमें देवेंद्र जी बताएंगे कितने टेम्परेचर और क्या स्पीड रहती है इसकी। टेम्परेचर सही होता है 315, 335 की हमारी टेम्परेचर है और 320, 330 की, 290, फिर 280 की टेम्परेचर है। 23 सेकंड जो हमारा मोल्ड ओपन होगा वो पर मोल्ड हमारा 23 सेकंड में ओपन होता है। अब हम इनकी स्पीड कितने की स्पीड तो आपने देख ली, और जो हमारा प्रेशर है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से 115 का है, 60% है, और 2.2 mm की इसकी जो है 2.2 mm है ये। और आप देख सकते हैं जो इसका इंजेक्शन टाइम है वो 3.2 सेकंड का है। तो आप देख सकते हैं हमारी मोल्ड इंजेक्शन इंजेक्शन मोल्ड मशीन है। तो आप देखेंगे इसे कैसे मोल्ड करा जाता है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं मोल्ड हो चुका है, हर 23 सेकंड में ये ओपन होता है मोल्ड, हर 23 सेकंड में क्लोज होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मोल्ड ओपन हो चुका है। ये आप डाई देख सकते हैं किस तरीके से, चार पीस हमारे एक बार में निकलते हैं इससे। तो आप देख सकते हो मशीन में हमने हमारा ये हमारा जो था कमांड हमने दे चुका है। एमएम आप चेक कर सकते हैं, स्पीड आप चेक कर सकते हैं, और उसके बाद दोबारा ये हमारा मोल्ड ओपन हो चुका है। इस तरीके से हमारा पीस निकल चुका है। जो ये हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है पीस का, वो इस तरीके से हम इसको मैनुअल तरीके से काट लेते हैं। ये आप देख सकते हैं आप हम देख सकते हैं हमारी हाउसिंग बन के रेडी हो चुकी है। आपने देखा हमारी एसी डीसी इमरजेंसी बल्ब जादू बल्ब की जो हाउसिंग होती है इस तरीके से बनती है। इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हो, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रांग है ये, जो इस बल्ब की लाइफ बढ़ाती है। तो दोस्तों एक एसी डीसी की इमरजेंसी बल्ब, एसी डीसी की हाउसिंग कंप्लीट होने के लिए तीन चीज की जरूरत होती है। ये हमारी हाउसिंग है, ये हमारा डिस्क है, और ये हमारा डिफ्यूज़र है। तो हमने अभी देखा कि हमारी जो हाउसिंग होती है किस तरीके से मैनुफैक्चरिंग होती है। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसीजर की ओर, जिसमें हम डिस्क और डिफ्यूज़र देखेंगे कैसे मैनुफैक्चरिंग करा जाता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसकी नेक्स्ट प्रोसीजर की ओर हम आ चुके हैं, इसमें हम देखेंगे जो हमारा डिफ्यूज़र होता है वो सीढ़िया कैसे बना जाता है। तो आप ये देख सकते हैं हमारा डिफ्यूज़र है, ये हमारी इसमें मोल्ड दूसरी मशीन है। 21 सेकंड में हमारा जो मोल्ड है ओपन होता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से मोल्ड ओपन हो रहा है। ये मोल्ड होने के बाद हमारा डिफ्यूज़र निकल चुका है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उस तरीके से हम कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा डिफ्यूज़र निकल चुका है, इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की ओर, जिसमें हम देखेंगे जो हमारा डिस्क होता है वो किस तरीके से बनता है। तो आइए चलते हैं दोस्तों। तो अब हम आ चुके हैं इसके लास्ट प्रोसीजर की ओर, जिसमें मैंने आपको बताया था डिस्क कैसे बनती है, किस तरीके से हमारी डिस्क होती है। आप देख सकते हैं ये जो हमारी लास्ट प्रोसीजर जो हमारा डिस्क है, आप देख सकते हैं 30 सेकंड लेती है हमारी मोल्ड मशीन, पर मोल्ड जो 30 सेकंड का होता है। आप देख सकते हैं ये मोल्ड हमारा अभी खुलेगा, ये हमारी मोल्ड मशीन अब खुल चुकी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी डाइयाँ होती है, ये इस तरीके से हमारा जो डिस्क बन के रेडी होता है। जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो हम काट लेते हैं, वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बताया था हमारा एसी डीसी और इमरजेंसी बल्ब, जादू बल्ब, मैजिक बल्ब की हाउसिंग किस तरीके से बनाई जाती है। तो आपने देख ही लिया, तीनों प्रोसीजर हमने आपको दिखा दिए हैं। अगर आपने देखा हमारी जो एसी डीसी इन्वर्टर बल्ब की जो हाउसिंग होती है इमरजेंसी बल्ब की, वो किस तरीके से मैनुफैक्चरिंग होती है, वीडियो में आज हमने आपको वो दिखाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।